मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक कोरोना किल अभियान शुरू किया है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने तंज कसा है। कोरोना किल अभियान पर ताजुब करते हुए पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि अब भाजपा सरकार को याद आई है कि कोई कोरोना भी है, क्योंकि अभी तक तो भाजपा कोरोना को डरो ना कहकर मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस समय भाजपा सरकार बदलने में जुटी हुई थी। शिवराज सिंह और भाजपाइयों ने जनता को ताक पर रखते हुए अपनी सरकार बनाने में जुटी रही। भाजपा कोरोना से लड़ना छोड़कर अपनी सरकार को बनाने में जुटी रही और यहाँ लगातार कोरोना संक्रमण फैलता रहा। तरुण भनोट ने यह भी कहा कि मुझे जनता और भगवान पर पूरा भरोसा है, सरकार गिराने के लिए जो कृत्य इन्होंने किया है उसके लिए भगवान श्री राम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं शहर में इस बार भी जल प्लावन की स्थिति न बने, इसके लिए पूर्व वित्त मंत्री के साथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कमिश्नर नगर निगम से मुलाकात की। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट। सारे पार्षद साथी जो थे सब आए थे, तो मुख्य मुद्दा ये था कि जल प्लावन की स्थिति जबलपुर में बनती है। कोरोना की महामारी तो फैली हुई है, पहला पेशेंट ही जबलपुर में मिला, तो स्थितियाँ ख़राब है। और साथ साथ में पिछले 5-7 साल में जबलपुर में हमने ये देखा है अन्य संक्रामक रोग, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लंगड़ा बुखार, ये पूरे क्षेत्रों में होते हैं। लोगों की इस समय मौतें भी हुई और साथ साथ में जल प्लावन के साथ जो नालों का काम पूरा नहीं हुआ है उसके कारण डूबने से भी लोगों की मौत हुई। तो प्रमुख तो यही दो मुद्दे थे कि जल प्लावन का जो काम है वो निरंतरता के साथ जारी रहना चाहिए, जल प्लावन नहीं होना चाहिए और साथ में संक्रामक रोग ना फैले, सफाई व्यवस्था अच्छी रहे, इसकी व्यवस्था करें। साथ साथ हमने कमिश्नर महोदय से यह भी कहा कि जो उसकी कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सारे विकास की योजनाएं जबलपुर के लिए बनाई थी और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम पूरे जबलपुर के अलग अलग क्षेत्रों में सेंशन हुए, वो सारे काम हो गए, तो उनको भी कामों को शुरू किया जाए जिससे हम सबका जो एक सपना है कि जबलपुर को एक महानगर के रूप में विकसित कर सकें। लॉकडाउन में सारी आवश्यक गतिविधियों तक बंद की है और जब प्रदेश व्यापी लॉकडाउन था उस समय किसी भी प्रदर्शन की परमिशन देना, ये सीधे सीधे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। और ये जिला प्रशासन, प्रदेश के प्रशासन ने ये भारी चूक की है। यदि इनकी मनसा प्रदर्शनों को करवाने की थी तो इनको लॉकडाउन को विड्रा कर लेना था, तो कम से कम किसी भी एक चीज़ की आबरू बची रहती है। लेकिन दोनों चीज़ एक साथ इनने करके अपनी कर्तव्य के प्रति विमुखता दिखाई, क्रिया की प्रतिक्रिया लाजमी है। यदि लॉकडाउन में इस प्रकार का कोई आयोजन हो रहा था तो स्वाभाविक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, मौलिक अधिकार है संविधान के। और प्रोटेस्ट यदि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोई कर रहा हो, राम धुन गा रहा हो, भजन गा रहा हो, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा। और पुलिस को समझना चाहिए था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कम से कम एक चूक हो गई थी लॉकडाउन में धरना प्रदर्शन की परमिशन देना, पुतला जलाने की परमिशन देना, ये चूक थी। दूसरी चूक प्रशासन को नहीं करना। उसी के संदर्भ में आज तमाम पार्षद एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए कि आपकी पारदर्शिता देखे, भले हो ना हो, जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, पुलिस प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता सबसे बड़ा कारक होती है। और यदि वही खत्म हो जाए तो लोगों का विश्वास। कांग्रेस में FIR दर्ज करवाने लाजमी लग रहा है आपको? इसी बात का कि आप जांच कीजिए, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, आपके प्रशासन से चूक हुई है, उसका पूरा ढींगरा कांग्रेस परिवार के ऊपर आ गया।